हाइबरनेशन के बारे में देखते हैं कि हाइबरनेशन होता क्या है। स्टाइवेशन हाइबरनेशन अक्सर बच्चे कंफ्यूज करते हैं, स्टाइवेशन को हाइबरनेशन समझने लगते हैं, हाइबरनेशन को स्टाइवेशन समझने लगते हैं। तो हाइबरनेशन स्टाइवेशन, तो हम फोकस करेंगे हाइबरनेशन पे। हाइबरनेशन को हिंदी में शीत निद्रा बोलते हैं या विंटर स्लिप बोलते हैं। तो इसको देख लेते हैं, हाइबरनेशन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछते हैं, कभी कभी एग्जाम्पल ही पूछ देता है, कभी कभी डिफिनीसन डिफाइन करने के लिए पूछ देता है। इसको हिंदी में बोलते हैं शीत निद्रा, तो ऐसे लिख सकते हैं शीत निद्रा, ठीक है, ये हिंदी में होता है। पहला पॉइंट देखते हैं तो इसको विंटर स्लीप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विंटर स्लीप, मतलब ये जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो जाड़े में ही हाइबरनेशन में आते हैं, यानी विंटर में स्लीप करते हैं। आप स्लीप का ये मतलब नहीं कि सो जाते हैं, ध्यान देंगे डोंट स्लीप, नाम रखा गया है कि विंटर स्लीप या हाइबरनेशन या शीत निद्रा, ऐसा कुछ होता नहीं कि वो सो जाते हैं। इसमें आप देखते हैं, लिख सकते हैं डोंट स्लिप, सोते नहीं है, नाम रखा गया है। आप सोते नहीं तो करते क्या है, क्यों विंटर स्लिप रखा गया, तो वो मैं बताता हूँ। उसमें होता क्या है कि ये एनर्जी सेव करते हैं, क्योंकि जो इन्वायरमेंट रहता है वो इनके लिए अनुकूल होता नहीं है, तो उससे बचने के लिए ये सेव करते हैं और अपने मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी है यानी मेटाबॉलिज्म है उसको डाउन कर लेते हैं। तो अभी वन बाय वन देखते हैं, तीसरा पॉइंट ले लेते हैं इसका हाइबरनेशन का, कि डॉर्मेंसी ड्यूरिंग विंटर, यानी विंटर में ड्यूरिंग छूट गया, ड्यूरिंग विंटर यानी विंटर के समय ये डॉर्मेंसी फेज में रहते हैं, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, हाइबरनेशन बोलते हैं। अब क्या करते हैं ये एनिमल्स स्लोज हार्ट रेट, अपने दिल की जो धड़कन होती है यानी हार्ट रेट होता है, टू सेव एनर्जी, क्या करते हैं एनर्जी बचाने के लिए हार्ट रेट को स्लो कर देते हैं। यानी आप जैसे कोई मशीन है, इंजन है, तो उसका एक्सीलेटर है, अगर जो आपको तेज़ चलना है तो थोड़ा सा तेज़ करते हैं, स्लो चलना है तो स्लो करते हैं। सिमिलरली इसमें भी वैसे ही करते हैं इंजन के जैसे ही, और एनर्जी सेव होती है, हार्ट रेट सेव होता है। तो अब इसमें देखते हैं पांचवा पॉइंट कि सर्वाइव द विंटर विदाउट, सर्वाइव द विंटर विदाउट, अब विंटर में सर्वाइव करते हैं बिना खाए पिए, विदाउट ईटिंग, मतलब एक तरह से बिना खाए हुए विंटर पूरा निकाल लेते हैं। जैसे स्नेक है, स्नेक को बहुत ठंडा, बहुत सारे स्नेक ऐसे हैं जो उसमें सर्वाइव नहीं करते हैं, एक्सट्रीम जो विंटर होता है मैक्सिमम, उसमें क्या करते हैं ये स्लीप मोड में चले जाते हैं, मतलब विंटर स्लीप में यानी हाइबरनेशन में, तो उस समय कुछ खाते तो है नहीं, यानी सर्वाइव द विंटर विदाउट ईटिंग मच, ये हो गया। अब देखते हैं कि इसका जो मेटाबॉलिज्म है यानी मेटाबॉलिज्म यानी उसका जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है या और भी जो एनर्जी जहाँ कंजप्शन होता है वो कम हो जाता है, यानी वो डिप्रेस्ड हो जाएगा
इसको लिख सकते हैं मेटाबॉलिज्म डिप्रेस्ड, यानी कम हो जाता है टू लेस देन, कितना कम हो जाएगा, लगभग 5% ऑफ द नॉर्मल। अब जब नॉर्मल से 5% कम हो जाता है तो ऐसे ही एनर्जी बचेगी, तो ये फायदा। जैसे नहीं आप प्रिंटर रखे हैं तो उसमें इकोनॉमिक मोड में आप प्रिंट करते हैं तो उसमें इंक कम खाता है, फिर आप गाड़ी चला रहे हैं तो उसमें एक्सीलेटर नॉर्मल करते हैं, स्पीड कम रखते हैं तो, या बैटरी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चलाते हैं तो एक नॉर्मल स्पीड में चलाते हैं तो बैटरी बैकअप ज़्यादा देती है, माइलेज ज़्यादा मिलता है, तो ये सब सारी चीज़ें तो सेम इसी कॉन्सेप्ट में बनाई गई हैं। तो इसमें भी ऐसे ही होता है। आप देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल इसके, कि एग्जाम्पल में क्या कह रहे हैं, नोट कर लेंगे। आप पोलर बियर देखे होंगे, तो बियर है। फिर आप फ्रॉग देख सकते हैं, फ्रॉग, फ्रॉग्स, स्नैक्स, खाने वाला स्नैक्स नहीं, स्नैक्स जो है उसी के लिए स्नैक्स लिखे हैं। टर्टल है, बहुत सारे लोग पालते हैं तो वो इसी कारण मर भी जाते हैं, अक्सर देखने को होता है कि टर्टल जो कछुए उनको वो बियर नहीं कर पाते हैं, एक्सट्रीम जो ठंडक होती है तो पानी में बाहर रखते हैं तो नहीं बियर, वैसे ये हाइबरनेशन में चले जाते हैं तो आराम से विंटर स्लीप करते हैं। ओके, स्नेक है ऐसे ही वही रहता है। फिर आप देखेंगे लैंड जो स्नेल होते हैं, लैंड स्नेल्स, ये आप देखेंगे कि ये भी हाइबरनेशन, और भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, बहुत सारे एनिमल हैं जो इस प्रकार से हाइबरनेशन में जाते हैं। तो इसको आप ध्यान देना है, ट्रिक मैं बता रहा हूँ कि हाइबरनेशन एस्टाइवेशन, हाइबरनेशन शीत निद्रा यानी विंटर स्लीप को बोलते हैं, एस्टाइवेशन एस मतलब समर से रिलेटेड है, यानी समर स्लीप को हम एस्टाइवेशन बोलेंगे। तो हाइबरनेशन हमेशा ध्यान देंगे, कन्फ्यूज नहीं करेंगे कि हाइबरनेशन का मतलब होता है विंटर स्लीप यानी शीत निद्रा। अब इसको देखते हैं कि इसका स्लीप का मतलब सोना ही नहीं होता है, यानी डोंट स्लीप हो जाएगा, और डॉर्मेंसी ड्यूरिंग विंटर मतलब वो डॉर्मेंट सुसुप्ता अवस्था जिसको हिंदी में बोलते हैं उस कंडीशन में आ जाता है, और ये स्लो हार्ट रेट को कर लेते हैं, एनिमल स्लोज हार्ट रेट टू सेव एनर्जी। जैसे मैंने बताया कि आप इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चला रहे हैं या कोई पेट्रोल व्हीकल चला रहे हैं तो अगर जो एक्सीलेटर कम करते हैं तो कंजप्शन कम होता है, स्लो हो जाता है। आप देखेंगे सर्वाइव द विंटर विदाउट ईटिंग मच, एक तरह से नहीं के बराबर ही इनका खाने पीने का रहता है, बहुत कम या नहीं, ताकि इजीली सर्वाइव कर जाए। फिर आप इसमें देखेंगे एग्जाम्पल बियर, फ्रॉग, स्नैक, टर्टल, लैंड स्नेल, और भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, तो इसमें आप इजीली इसको कर सकते हैं। इसको नोट कर लेंगे,